नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर और आज हम एक बेहद पॉजिटिव न्यूज़ के साथ दिन की शुरुआत करने वाले हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि SBI जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है उसने प्रॉफिट देखना फिर से शुरू कर दिया है। SBI जो कि लगातार लॉसेस में जा रहा था, SBI अब फिर से प्रॉफिटेबल हो गया है और SBI के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया है और उन्होंने पूरा का पूरा जो श्रेय है वो दिया है प्रधानमंत्री जनधन योजना को। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करीबन 32 करोड़ अकाउंट खुले हैं और उसमें से 32% या कहें 1/3 जो अकाउंट हैं वो SBI में खुले हैं, यानी कि हो जाता है लगभग 10.5 करोड़ अकाउंट्स। अब उनका कहना ये भी है कि इन 10.5 करोड़ अकाउंट्स में अगर एवरेज माना जाए तो 1800 रुपये प्रति अकाउंट डाला भी गया है, जो बन जाता है 260 बिलियन रुपये का अमाउंट SBI में आया है जनधन योजना के तहत। अब दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि जनधन योजना जो है वो हमने शुरू करी थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन नाम से हमने स्कीम चलाई थी और उसके तहत हमने भी बहुत सारे अकाउंट्स खोले थे। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये एनालिसिस भी कर लेते हैं कि क्या जनधन योजना और कांग्रेस पार्टी की फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना दोनों का कोई कंपैरिजन है या नहीं है, कंपैरिजन है तो कहां तक है, कौन सी योजना किसने बेहतर तरीके से सूचीबद्ध तरीके से पूरी की है, लागू की है, वो भी हम देख लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है, अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि 2004 से 2014 तक हमने बहुत सारे अकाउंट खोले हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि 2004 में केवल भारत में 44 करोड़ लोगों के पास अकाउंट्स थे और यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 10 साल में, यानी कि 2014 में 77 करोड़ का। तो यहां से अगर हम इनकी बात को बड़ा रखें, इन्हीं की बात को मान लें, जैसा का तैसा इन्होंने बोला है वैसा का वैसा मान लें, तो होते हैं 10 साल में करीबन 33 करोड़ अकाउंट्स। यहां पर अगर दूसरी ओर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से 2017 तक यानी कि 3 साल में 32 करोड़ अकाउंट्स खोले हैं, जो कि बिल्कुल बराबर ही हैं जो कांग्रेस ने 10 साल में काम किया उसके, यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो काम कांग्रेस ने 10 साल में किया वो 3 साल में करके दिखा दिया। सीधा का सीधा कंपेरिजन यहां से हो जाता है। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि 2014 से 2017 तक जितने अकाउंट खुले हैं पूरे विश्व में उसका 55% जो भाग है वो भारत से आता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उधर से अगर हम बात करें तो 2011 में केवल 35% इंडियन अडल्ट्स के पास, 35% इंडियन अडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट था। यह आंकड़ा 2011 से 2014 तक बढ़ा और अब 2014 में 53%, यानी कि 53% इंडियन अडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट हो गया। अगर आप सब्ट्रैक्शन करें तो परसेंटेज में इजाफा हुआ 18% का। अब 2014 से 2017 तक अगर हम बात करें तो ये 53% से आंकड़ा पहुंच जाता है 80% पे, यानी कि 27% का इजाफा। जो आंकड़ा 18% का 3 साल में कांग्रेस पार्टी ने अचीव किया, वो आंकड़ा 27% का नरेंद्र मोदी की सरकार ने अचीव किया। तो यहां से ये कंपैरिजन साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, SBI ने जनधन योजना के तहत प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर में, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना काफ़ी अच्छी योजना रही और काफ़ी सफलतापूर्वक
इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी सही रहा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होंगी, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक इस वीडियो को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट करेंगे patreon.com पर, वहाँ पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी वीडियो की क्वालिटी और अपना रिसर्च वर्क और बेहतर कर सकें। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आप हमें जब वहाँ पर फॉलो करते हैं तो आप हमारी एक आवाज़ बन जाते हैं, हमारी एक शक्ति बन जाते हैं। तो आप वहाँ पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, और आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।